अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, लैट क्या चीज़ है। ये मैं आपको वन बाय वन जो है वो इसके तमाम पॉइंट्स जो है वो बता दूंगा। इसके लिए आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। इससे पहले भी मेरी LLB एडमिशन गाइड के नाम से एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, उस पर देख के भी आप जो है वो मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे कि लैट क्या है और कब से जो है वो लैट लागू हुआ। लैट अपने लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 2018 अगस्त में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, वहाँ से ये कंपलसरी करा दिया गया था कि LLB 5 ईयर में जो बच्चे जो है वो एडमिशन लेंगे उनके लिए लैट का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो पास करना ज़रूरी होगा। तो तब से लैट जो है वो कंपलसरी हो गया और HEC ने जो है वो हर साल लैट का इनकार करना शुरू कर दिया लॉ एडमिशन के लिए। इसका मकसद जो है ये यही है कि ताकि बच्चों की स्क्रूटनी हो जाए, जो बच्चे एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर करके आए वो लॉ के में जो है LLB 5 ईयर में जो है ऑनर्स में एडमिशन ले सके, ताकि एक चेक एंड बैलेंस आ जाए, फिल्टर लगा दिया गया ताकि पढ़े लिखे ज़्यादा जहीन बच्चे जो है वो आगे आ सके। ये लैट का जो है एक सिंपल सा मकसद है। तो अब बात करेंगे कि लैट लेता कौन है, लॉ एडमिशन टेस्ट। आया ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो लैट का टेस्ट लेता है या HEC लेता है? तो लैट का जो टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक टेस्ट होता है और वो जो है HEC उसका इनकार करती है हर साल। और मुख्तलिफ शहरों में जो है वो आपकी सहूलत के लिए सेंटर्स बना दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो लैब का एडमिशन टेस्ट लेते हैं। और हर साल जो है लैब का टेस्ट 3 से 4 दफ़ा लिया जाता है। जिस तरह अभी एडमिशन होने जा रहे हैं तो लैब का टेस्ट अभी इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है, 22 जुलाई इसकी आखिरी डेट है। 12 अगस्त को आई थिंक जो है वो टेंटेटिव डेट दी गई है जिसमें जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। एक दफ़ा ये जो है वो जुलाई अगस्त में लिया जाता है, उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं उनका जो है वो अक्टूबर नवंबर में एक टेस्ट आ जाता है, इसके बाद एक टेस्ट जो है वो जनवरी या फरवरी में साल के शुरू भी आ जाता है, ताकि हर बच्चे को सहूलत रहे तो जब भी उसने एडमिशन लेना है उसके पास ला का जो है ये एडमिशन टेस्ट हो। तो ये भी क्लियर हो गया कि लैट लेता कौन है और लैट होता कौन भी होने का। मैंने आपको बता दिया है कि एक दफ़ा जुलाई में एडमिशन से पहले, फिर अगर कुछ रह गया लोग लेफ्ट ओवर होगा तो ये जाके जो है वो फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर में एक दफ़ा फिर जो है वो जिस तरह जो स्केड्यूल आ जाता है किसी की तरफ से इस तरह हो जाता है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि लैब की रजिस्ट्रेशन चल रही है, 22 जुलाई जो है वो उसकी आखिरी तारीख है, तो मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी है, फ़ीस कितनी है, फ़ीस सबमिट कैसे होगी। तो सबसे पहले जो है वो आपने HEC की वेबसाइट पे चले जाना है। HEC ने एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल के नाम से, यहाँ स्क्रीन पे मैं लिंक भी लगा दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा, etc.hec.gov.pk जो है वो आपने सर्च कर लेना है। वो जिस तरह NTS वगैरह है इसी तरह HEC ने अपनी एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आपने सिंपल जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, अपना नाम जो भी डिटेल है आपके मार्क्स की, एड्रेस वगैरह सारा जो सिंपल एक फॉर्म होता है वो आपने दे देना है, ठीक है, फिल कर देना है। 1250 रुपये जो है वो फीस है, वो आपने ऑनलाइन उन्होंने अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप अपनी सहूलत के लिए जैद कैश से ट्रांसफ़र कर दें, इजी पैसा से ट्रांसफ़र कर दें, बैंक से ट्रांसफ़र कर दें, या वो HPL का अकाउंट है उनकी ब्रांच में जाके स्लिप फिल करके वहाँ जमा करवा दें। उनके अकाउंट नंबर में कोई वोचर वगैरह नहीं है, ये बड़ा आसान तरीका है। वो आपने जैद कैश से जमा करवाई है तो वो आपको रसीद आ जाएगी, उसका स्क्रीन शॉट जो है वो आपने अपलोड भी कर देना है और आई थिंक उनको जो है वो कोरियर भी कर देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, फ़ीस जमा करवानी है और सेंटर अपना मुंतखब करना है कि जिस शहर में जो आपका नज़दीकी शहर है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो भी आपका रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ डिवीज़न में जहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है वो आपने जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है और आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि पेपर कैसा होता है, कितने नंबर वाला पास होता है। तो सबसे पहले आपको पासिंग मार्क्स बता दूं,
के 100 नंबर का एमसीक्यू टाइप ये पेपर होता है और 50 मार्क्स वाला जो है वो पास है। कि अगर आपके 50 मार्क्स आ गए हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप चाहे वो 50 हैं चाहे वो 51 है 52 है जितने भी हैं आप एलिजिबल हो गए हैं। अगर 50 से एक नंबर भी कम है तो फिर आपका टेस्ट यानी कि पास नहीं है। जितने ज़्यादा नंबर होंगे वो आपकी परसेंटेज उतनी अच्छी हो जाएगी, जब मेरिट बनेगा आपके एकेडमिक जो मार्क्स हैं और प्लस जो है आपके लैट के जो मार्क्स हैं, अगर इनकी परसेंटेज यानी कि आप 70 की लाइन में ले रहे हैं 80 की लाइन में ले रहे हैं तो आपकी उतनी परसेंटेज जो अच्छी हो जाएगी, आपको आपका मेरिट अच्छा बन जाएगा। तो पासिंग मार्क्स आपको क्लियर कर दूँगे 50, ठीक है। पेपर कैसा होता है? पेपर को उन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, क्वेश्चन वाइज जो है उन्होंने इसे डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि इसमें ऐसे होगा 15 नंबर, 15 मार्क्स का ऐसे है जो आपने लिखना है, वो करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक आ जाएगा वो आपने लिख देना है। आप पेपर से पहले तैयारी कर लें तो यूट्यूब पर ऐसे रेटिंग वीडियोज़ देख लें। वैसे भी आप जो है जब इंटरमीडिएट करके आते हैं या आपने पहले मैट्रिक किया उसमें ऐसे होता है, आपको जो इंटरमीडिएट का बच्चा है उसे पता होता है कि ऐसे मैंने कैसे राइट करना है, तो आप इजीली जो है वो लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है 10 नंबर का। पर्सनल स्टेटमेंट में जो है वो इसमें मैं फर्दर वीडियो भी बना दूंगा, जैसे कि लफ्ज़ से मतलब है कि आपने अपने आप को जो है वो बयान करना है, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, अपना इंट्रो दे दें जो कि मैं किस मकसद के लिए लॉ करना चाह रहा हूँ, मेरा फ्यूचर गोल क्या है, ये थोड़ा सा जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट है। मैं वीडियो भी इस पर बना दूंगा और आपने इसे यूट्यूब पे अगर आप सर्च कर लें तो बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पे आपको जो है वो एक स्केच दे दिया जाएगा कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे रखनी है। तो ये जो मार्क्स हैं 15 और 10 ऐसे के और स्टेटमेंट के, ये बड़े मैटर करते हैं। ये यानी कि इसमें मुश्किल कोई नहीं है, याद कोई नहीं है, या आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे है कि आपने किस तरह इसे लिखना है और आपने ये मार्क्स जो है अचीव कर लिया। बाकी ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपका एक गलत हो गया तो आपका गलत है। इसमें जो है वो आपको 25 मार्क्स है, अगर आप इसे अच्छा लिखते हैं तो 20 मार्क्स तो आपके यही आ गया, बाकी 70 मार्क्स में से आप जो है वो 30 भी ले लें 35 ले लें तो आपके पासिंग मार्क्स जो है ईजीली बन जाएगा। आगे चलते हैं, इंग्लिश के 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा जिसमें जो है वो सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे और प्रपोजिशन वगैरह होगी। वो भी आपकी इंग्लिश, अगर आप इंटरमीडिएट की इंग्लिश करके गए हैं FSCT FA भी, तो आपके लिए कोई इतना मैटर नहीं करता, वो आसान चीज़ है। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए आप कोई भी बुक ले लें जनरल नॉलेज की। वैसे तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लैट की बाजार में जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट गाइड्स अवेलेबल हैं वो ले लें, उसमें पास पेपर भी होंगे और बाकी रेलिवेंट मटीरियल भी होगा जिससे आपको जो है वो सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है जी। जनरल नॉलेज है 20 मार्क्स का। उसके बाद इस्लामिक स्टडी है 20 मार्क्स की, इसी तरह पाकिस्तान स्टडी है उसका पोर्शन है 10 मार्क्स का, इस्लामिक स्टडी का भी 10 मार्क्स का। और उसके बाद जो है वो उर्दू की वोकैबुलरी होगी 10 मार्क्स का। और एंड में बेसिक मैथ है वो 5 नंबर का है, जिन बच्चों ने FSC पढ़ी है ICS किया है उनके लिए तो वो बिल्कुल ईजी है 5 नंबर। इस तरह ये उन्होंने इसे पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आपने इसमें से 100 मार्क्स में से 50 जो है वो स्कोर करने हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लेने के लिए। तो आगे चलते हैं जी, तैयारी की यही था कि तैयारी कैसे करनी है। तो बेहतर यही है कि आप लॉ एडमिशन गाइड जो है कोई भी बाजार से परचेज कर लें और उससे जो है वो अपनी तैयारी कर लें। और एंड पे जो है मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि आजकल जो है चूँकि हमने लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन आई हुई है 22 जुलाई इसकी आखिरी डेट है, अगस्त में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आगे सितंबर में जो है वो एडमिशन जाएगा। और एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट के पेपर दिए हुए हैं FSC ICS के वो जो है वो एलिजिबल हैं, वो अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड जो है वो लगा के इसमें जो है वो अपीयर हो सकते हैं। तो कोई भी आपका लॉ एडमिशन टेस्ट लैट के हवाले से क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एम्बिग्यूटी है तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।